सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले धीरेन्द्र राठौर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को देकर अवगत कराया है कि उसकी कुछ लोगों से मित्रता थी, जो जमीन कारोबार में उसके पार्टनर भी थे। भरोसे में लेकर विपक्षी गढ़ों ने धीरेन्द्र से 17,50,000 रूपए उधार लिए थे। काफी समय बीतने के बाद जब विपक्षी पैसा नहीं लौटा रहे थे तो प्रार्थी ने उन पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाया, जिस पर विपक्षी उससे रंजिश मारने लगे। 17 मार्च को करीब 1 बजे वह अपनी साइट पंचवटी कॉलोनी में राकेश उर्फ बल्ले आदि के साथ बैठा था। उसी समय 3 विपक्षी आए और कहने लगे कि हमें भूख लग रही है, खाना खिलवाओ, जिस पर धीरेन्द्र ने ग्वालियर रोड स्थित एक होटल उनको ले गया, जहां उन लोगों को खाना खिलवाया। धीरेन्द्र का आरोप है कि खाना खाने के बाद धीरेन्द्र अपनी कार में उन लोगों को लेकर वापस आ रहा था, तभी एक युवक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और दूसरे ने कट्टा निकालकर उसकी पीठ पर लगा दिया और गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा कि चुपचाप हम जहां कह रहे हैं वहां चलो। और उस समय करीब 2 बज रहे थे। तीनों लोग सारमऊ में एक खेत में ले गए और वहां ले जाकर थप्पड़ घूसों से मारपिटाई की। उनमें से 2 विपक्षियों ने फायर भी किए, जिसमें धीरेन्द्र बाल बाल बच गया। विपक्षियों ने कहा कि 17,50,000 रुपए मांगे तो तुझे जान से मारकर फेंक देंगे और बदले में 35,00,000 रुपए अगर तूने 1 महीने के अंदर नहीं दिया तो तुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसवा कर जेल में सड़वा देंगे। उन तीनों लोगों ने प्रार्थी से एक सादा कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि जो हमें लिखना होगा हम लिख लेंगे और टंडन रोड स्थित सीपरी बाजार पर मारपीट करते हुए भाग गए। प्रार्थी ने बताया कि विपक्षी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिससे उसे व उसके परिवार को जान का खतरा है। प्रार्थी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। मेरा नाम जीतेंद्र राठौर है। आज आपने शिकायत दी है एसएसपी के यहाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं मिस्टर कौशल, राहुल कौशल और बंटी, जो मेरे साथ आए थे, एक मित्र के थ्रू मिले थे मुझे करीब 1.5 साल पहले। उन्होंने कहा मुझे आपके संग व्यापार करना है, मैंने कहा आ जाइए। हम लोग काम करते थे, इसी अंतराल उन्होंने कुछ पैसे मुझसे उधार लिए थे, एक बार 5,00,000, एक बार ऐसे कर दिया, चलिए 17,00,000, 17.5 लाख के आसपास। मैंने उनकी मांग शुरू करी, उन्होंने भाई पैसे मुझे दे दो, मेरे वापसी कर दो। तो मुझसे कहने लगे ठीक है देते हैं। फिर मैं सख्ती से बात करी तो हम लोग की बोलचाल बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले हम अपनी ज़मीन है हमारी, उस पर बैठे हुए थे साइड पर, तो वहाँ इनके एक मिलने वाले हैं जो भतीजे कहते हैं इनके, श्री यमन शर्मा जी और एक चंचल महाराज करके हैं, और ये कोई समाधिया है जिन्हें मैंने पहली बार देखा था, तो बोलूँगा। उन्होंने कहा भाई साहब, क्योंकि मैं अमन शर्मा जी को और इनको चंचल को मैं जानता था पहले से बंटी राहुल जी के द्वारा, जब ये आए तो इन्होंने कहा भाई साहब मुझे भूख लग रही, चलो खाना खिलाते हैं। हम लोग शिवानी होटल में खाना खाया और इन्होंने कहा भाई साहब मैं गाड़ी अपनी ड्राइव करता हूँ, कह रहे आगे तक चल रहा है। जैसी गाड़ी में बैठे तो इन्होंने रिवाल्वर निकाल ली। हमने क्या बात है, क्या चुपचाप बैठे रहो? हम चुपचाप बैठे रहो, अपने साथ मजाक कर रहे होंगे। अंदर लेके गए खेत पे, यहाँ इन्होंने मुझे बिठा ला और पहले तो मेरे साथ मारपीट करी, और चंचल जो थे उन्होंने कट्टा निकाला, उन्होंने 2 हवाएं फायर किए, और इन्होंने शर्मा जी ने, ये मिस्टर अभय जी क्या नाम है, अमन जी ने, इन्होंने रिवाल्वर से 4 फायर किए और बदतमीजी करी कि अगर अब मेरे चाचा से पैसे मांगे तुमने 17,50,000 वो तो तुम भूल जाओ और 35,00,000 और दे देना अगर सर आपस से दे सकते हो। तो भाई मरता क्या नहीं कर देना, और साइन लिए कागज़ पे मुझसे, किसी कागज़ पे साइन लिया, मैं ले लूँ। और इन्होंने फिर मुझे सीपरी थाने, सीपरी टंडन रोड पे जाकर छोड़ दिया। 35,00,000 की चीज़ की मांग रहे हैं? बहुत रंगदारी है इनका तो काम, बहुत अजीब गरीब टाइप के लोग हैं, अब क्या कहूँ मैं इनके बारे में। लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पाया ऐसा साजिशन क्यों किया गया, और ये गलत काम है, इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो किस तरीके के लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया? सर एक दो घटना और भी हो चुकी है, यार मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं तो अपनी घटना ही बता रहा हूँ। अब वो आप लोग भली भांति जानते हैं मुझसे ज़्यादा, मेरे साथ तो ये किया है राहुल जी ने, मैं तो राहुल जी को दोषी ज़्यादा मानूंगा इसमें, क्योंकि जी उन्हीं के भतीजे हैं, और अमन शर्मा जी क्योंकि अपने आप को रावतपुरा जी का भांजा वगैरह कहते हैं, क्या है बस यही है। मैंने कहा चलो भाई पुलिस को कंप्लेंट वो करें, हम जा रहे हैं थाने गए, लेकिन थाने में लिखी नहीं गई हमारी, हमें ये भी मालूम है आगे हो सकता है हम पे क्रॉस केस हो जाए, उल्टा केस हो जाए, उनकी पता नहीं पुलिस क्यों उनका सपोर्ट देती, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। अब आप क्या चाहते हैं? अब भाई क्या चाहेंगे भाई, मुझे जान माल खतरा है मेरा या तो
टैरो रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी द ओनली लिंक बिटवीन द ब्यूटी ऑफ पास्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।